नमस्कार दोस्तों, माँ डिजिटल सेवा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं आपको वर्ग एक काउंसलिंग प्रक्रिया जो आपकी 1 दिसंबर से प्रारंभ होनी थी, वो किस कारण से प्रारंभ नहीं हो पाई है, क्या कारण रहे हैं, वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। साथ ही आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे। साथ फ्रेंड्स, हमने अब नया चैनल एक और प्रारंभ कर दिया, जिसका नाम है MDS टेक एंड न्यूज, जिसपे आपको टेक्निकल न्यूज, एजुकेशन रिलेटेड न्यूज, जॉब अलर्ट न्यूज सब प्राप्त होती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल माँ डिजिटल सेवा को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे, जिससे कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी प्रकार के वीडियोज, जॉब वाला, टेक्निकल न्यूज एंड एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज आपको समय समय पर प्राप्त होते रहेंगे और आप उनसे लाभान्वित होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ज्यादा समय ना लेते हुए आपको सीधा ले चलते हैं न्यूज के पास और आपको दिखाते हैं लाइव किस तरीके से जो है जो जानकारी है, किस कारण से जो आपका वर्ग की जो काउंसलिंग है वो रोकी गई, किस क्या कारण रहे थे उसमें, शिक्षा मंत्री जी का क्या कहना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो अंत तक देखना है। जैसे फ्रेंड्स, हम लेकर के आ गए हैं आपको ई पेपर दैनिक भास्कर की न्यूज पर। यहां से आप न्यूज देख पाएंगे, दैनिक भास्कर के डीबी भास्कर में जाकर के आपको ये न्यूज प्राप्त हो जाएगी, वहां पर आपको ये न्यूज मिलेगी। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, 1 दिसंबर से शुरू होने वाली वर्ग एक की काउंसलिंग प्रक्रिया अटकी, प्रमाण पत्र न बनने से वर्ग दो के परीक्षार्थियों की बड़ी टेंशन। तो क्या है, अब तक नहीं बने हैं अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र, पहला ये कारण है जिस कारण से आपके जो है काउंसलिंग प्रक्रिया रोक दी गई है। इसमें ब्रीफ में क्या कहना है वो आप सुन लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। प्रदेश में भावी शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पहले परीक्षा परिणाम और काउंसलिंग के नाम पर उनके सपनों को तोड़ा जा रहा है। बड़ी मुश्किल से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग एक की काउंसलिंग 1 दिसंबर से शुरू होनी थी, लेकिन अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र न बनने के कारण लोक शिक्षण संचालनालय ने बीच में रोक दी है। तो रुकने का कारण जो क्या है, अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र न बनना, और अधिकारी कोई नई तिथि घोषित करना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो ये बोल रहे हैं, ये अभी नहीं बता पा रहे हैं कि आगे काउंसलिंग की तिथि कब घोषित होगी। पीड़ित उम्मीदवार कभी अधिकारी तो कभी मंत्री बंगले के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। वर्ग एक की इस हालत में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग दो के सफल उम्मीदवार भी तनाव में आ गए हैं। अभी तक उन्हें उम्मीद थी कि वर्ग एक की काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी, निपटने के बाद उनका भी नंबर जल्द ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, काउंसलिंग प्रक्रिया रोक दी गई। लेकिन अब उनके सपनों को ग्रहण लगने शुरू हो गए हैं। टीवी स्टार की ये न्यूज है और इसी में बताया गया है, अधिकारी जो अधिकारी अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है, तो जो मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, उन्होंने क्या कहा है, वर्ग एक की काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, आवेदकों को घबराने की जरूरत नहीं है, शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र लेट क्यों भर रहे हैं, इस मामले में अधिकारियों को जवाब तलब किया जाएगा। और ये प्रभुराम चौधरी जो अपने मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग है, उनने बोला है, और साथ ही काउंसलिंग जिनकी होनी है उम्मीदवार जो है उनको उनका क्या कहना है, स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ग एक और वर्ग दो की काउंसलिंग प्रक्रिया को हास्यास्पद बना दिया है, 7 महीने पहले अनुभव प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी तो अब तक क्यों नहीं बनी, इसका जवाब कौन देगा। साइट बिल्कुल सही कहा है आपने, और इसका जवाब शासन को देना पड़ेगा कि कारण क्या रहा है, कि इतना लेट क्यों करते जा रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे। तो फ्रेंड्स, हम भी आपके साथ हैं, जहां तक होगा आपको नई नई न्यूज आपको समय समय से पर देते रहेंगे और समय से पहले देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप तरोताजा बने रहे। काउंसलिंग प्रक्रिया जैसे प्रारंभ होगी हम आपको तुरंत बता देंगे, और साथ ही हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने प्यार के रूप में हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे दोनों चैनल MDS टेक एंड न्यूज एंड माँ डिजिटल सेवा को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर से कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाने का ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब करा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।